हर यूनिट होती है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो उसको परफॉर्म करनी होती है तो हम उसके लिए मैनेजर को अपॉइंट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उन सारी एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक यूनिट होती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनेजर के सुपरविजन के अंदर और वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की सारी एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर चार पार्टमेंट क्लासिफाई किया गया है वो है कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर सो स्टार्टिंग विद द कॉस्ट सेंटर एक कॉस्ट सेंटर को हम एक्सपेंसिव सेंटर भी बोलते हैं ये वो सेगमेंट है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हम कॉस्ट को एक्यूमलेट करते हैं और जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए उस सेगमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी या फिर जो हम कंट्रोल करेंगे इस सेगमेंट में हम उसको करेंगे कॉस्ट को हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो अमाउंट था जो हमने स्पेंड किया था वो कितना किया था और इसके अंदर जो हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी कॉस्ट लगी थी उसको हम चेक करते हैं हमारी बजटेड कॉस्ट से और हम देखते हैं कि हमारा अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस कम आए थे तो हमारी जो एफिशेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा चले गए तो हम उसमें करेक्टिव एक्शन लेते हैं या फिर एक्टिफिकेशन लेके आते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम पर उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और हमारी कॉस्ट को कम कर पाएँ द सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट सेंटर एक प्रॉफिट सेंटर वो यूनिट है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की या जिसमें हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे अब प्रॉफिट क्या होता है हमारा जो रेवेन्यू था उसमें से अगर हम हमारी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इसमें हम बोल सकते हैं कि जो इनपुट्स हैं हम उनको मेज़र करते हैं एक्सपेंस के टर्म्स में और जो आउटपुट्स हैं उनको हम मेज़र करते हैं रेवेन्यू के टर्म्स में इसका मतलब है कि जो मैनेजर है सेंटर पे वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट के लिए भी और रेवेन्यूज़ के लिए भी तो उसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं द थर्ड वन इज़ रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू सेंटर वो सेगमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है फेज रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक रेवेन्यू सेंटर में मैनेजर है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता कॉस्ट पे ना ही असेट के इन्वेस्टमेंट पे लेकिन उसका कंट्रोल होता है कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ पे और उसके एक्सपेंसेस पे जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू सेंटर की हम उसको इवेलुएट करते हैं हमारे एक्चुअल रेवेन्यू को बजटेड रेवेन्यू से कंपेयर करके जो मार्केटिंग मैनेजर है प्रोडक्ट लाइन का या फिर एक इंडिविजुअल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो एग्जाम्पल होते हैं रेवेन्यू सेंटर के द फोर्थ वन इज़ इन्वेस्टमेंट सेंटर इस सेंटर पे जो पूरा फोकस होता है वो होता है असेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाने पे इसलिए जो मैनेजर है वो मेजर करता है इनपुट को इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट और आउटपुट को इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू और उसके साथ में जो असेट्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ था उस पर इसलिए जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनेबल रिटर्न लेके आने पर हमारे असेट के इन्वेस्टमेंट पर इसलिए हम इसको इन अदर टर्म्स हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर जो मैनेजर है उसकी इफिशियंसी हम उसको मेजर करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और हम आर को कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टू हंड्रेड या फिर नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू टू हंड्रेड के बेसिस पे इफ़ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन